प्रेमी से मिलने पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और ऐसा मामला सामने आया है। इस बार भारत की एक महिला अंजू सरहदे पार कर पाकिस्तान पहुंच गई हैं। अपने प्रेमी की दीवानी हुई मंजू ने अपने पूरे परिवार को भारत में छोड़कर पाकिस्तान में रहने का फैसला ले लिया है। 34 साल की अंजू का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और वर्तमान में राजस्थान के अलवर जिले में रहती थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पाकिस्तानी नसरुल्ला से बातचीत किया करती थी। धीरे धीरे बात वीडियो कॉल तक पहुँच गई थी और फिर प्यार में पड़ गई। 4 साल से दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। अंजू का प्रेमी नसरुल्ला खैबर पख्तूनवा का रहने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंजू 1 महीने के विजिटिंग वीजा पर पाकिस्तान आई है। उसने बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में प्रवेश किया और इस्लामाबाद पहुंची। वहीं अंजू के पति ने बताया कि लाहौर पहुंचने के बाद अंजू ने अपनी बहन को व्हाट्सएप कॉल कर बताया कि वो लाहौर में है। आपकी मिसेज जब यहाँ से घर से गई थी तो क्या बोल करके गई थी? मैं तो घूमने के लिए जा रही थी। कहाँ घूमना बताया था? मेरी बात हुई तो भाई कहाँ जाना है जी, कुछ जी आज मेरे को पता चला। कितने दिन हो गए? गए 3-4 दिन हो गए सर। वहीं कुछ देर बाद अंजू ने भी ऑनलाइन स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो जल्द ही भारत वापस आएंगी। मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरा जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पर आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। तो उधर पुलिस प्रशासन को जैसे ही अंजू के बारे में पता चला वो अंजू के घर जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची। जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कांटेक्ट में थी, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू। और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में। और ये इन्फॉर्मेशन उनके फैमिली मेम्बर्स को फ्राइडे को ही मिल गया था जो 21 तारीख है। और एज सच हमें अभी कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं आया है। आगे अंजू के पति ने कहा कि 2020 में उसने पासपोर्ट इसलिए बनवाया था कि वो विदेश में नौकरी करना चाहती थी, लेकिन इस बात का उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किसके संपर्क में है।